स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? ए मुकेश महाली, बी सुरमा पाड़ी, सी नवीन पटनायक, डी मोहन चरण मांझी। आंसर बी सुरमा पाड़ी। एक्सप्लेनेशन: वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पाड़ी को गुरुवार को निर्विरोध उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार की विधायक पाड़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाड़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। अगला प्रश्न: कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी नीदरलैंड। आंसर सी यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन: वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम यूके मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। ब्रिटेन को निर्यात मई में एक तिहाई बढ़कर 1.37 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को निर्यात पिछले महीने 3% बढ़कर 1.33 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न: किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस एसपीपी एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आंसर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य के जीव जंतुओं में एक अंगहीन उभयचर को शामिल किया गया है। असम के वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि हर्पेटोफौना विज्ञानियों की एक टीम ने बाघ अभयारण्य में तीव्र हर्पेटोफौना सर्वेक्षण के दौरान पहली बार धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस पीपी को दर्ज किया है। हर्पेटोफौना और उभयचर, जिन्हें सामूहिक रूप से हर्पेटोफौना कहा जाता है, सबसे कम अध्ययन किए गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। सिसिलियन अंगहीन उभयचर होते हैं जो अपना अधिकांश जीवन मिट्टी के नीचे बिताते हैं। चूंकि वे एक प्राचीन प्रजाति हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति विकास और अंतर्महाद्वीपीय प्रजाति विकास से महत्वपूर्ण संबंध रखती है। अगला प्रश्न: किस पूर्वोत्तर राज्य में 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी मणिपुर। आंसर डी मणिपुर। एक्सप्लेनेशन: म्यांमार में हवाई बमबारी और हमलों के डर से 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने मणिपुर के कामजोंग जिले में शरण ली। ये शरणार्थी पिछले वर्ष नवंबर से सीमावर्ती जिले में अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। कामजोंग जिला अपनी पूर्वी सीमा म्यांमार से साझा करता है और यह म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तपलट के कारण शरणार्थियों के आमद से काफी प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न: किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए अफगानिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी पाकिस्तान, डी ईरान। आंसर बी तजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन: तजाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के हिजाब को एलियन गारमेंट विदेशी परिधान बताते हुए इसे पहनने पर पाबंदी लगा दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर 60,000 से 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, वहां घनी दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा रखा है। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? ए सुबोध कुमार सिंह, बी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सी प्रदीप सिंह खरोला, डी डॉक्टर के राधाकृष्णन। आंसर ए सुबोध कुमार सिंह। एक्सप्लेनेशन: नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ए आरबीआई के गवर्नर, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी केंद्रीय वित्त मंत्री। आंसर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। बैठक में परिषद ने सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की कई सेवाओं जैसे डॉर्मेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है।
सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए किस प्रणाली पर काम किया जा रहा है? ए कवच 3.0, बी कवच 3.2, सी कवच 4.0, डी कवच 4.2। आंसर सी कवच 4.0। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रेलवे को हादसों से बचने और कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए कवच 4.0 प्रणाली पर काम किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय रेलवे ने कवच के 3.2 संस्करण को तैयार किया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कवच 3.2 संस्करण को अत्यधिक व्यस्त रेलवे मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों में स्थापित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि कवच 4.0 भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगला प्रश्न, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून, डी 22 जून। आंसर सी 21 जून। एक्सप्लेनेशन, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल ये दिन शुक्रवार को मनाया गया। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना? ए मार्टिन गुप्टन, बी जोस बटलर, सी रोहित शर्मा, डी क्रिस गेल। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 224.39 के स्ट्राइक रेट से 7 चौके और 8 छक्के जड़े। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्कों का दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके नाम अब 203 छक्के दर्ज हो गए हैं। दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने 173 छक्के लगाए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के नाम 137 छक्के दर्ज हैं। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी बिहार। आंसर बी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये गिद्ध एशियन किंग वल्चर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये प्रजाति 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध है। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा। अगला प्रश्न, 2024 ICC T20 विश्व कप के इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर ड्वेन ब्रावो को किसने पीछे छोड़ा? ए केरोन पोलार्ड, बी जसेन होल्डर, सी आंद्रे रसेल, डी सुनील नरेन। आंसर सी आंद्रे रसेल। एक्सप्लेनेशन, आंद्रे रसेल ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ते हुए T20 विश्व कप इतिहास में वेस्ट इंडीज के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवरों में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इन 2 विकेटों के साथ रसेल ने T20 विश्व कप के इतिहास में अपने विकेट की संख्या 29 कर ली। ये किसी भी वेस्टइंडीज गेंदबाज द्वारा लिया गया सबसे ज्यादा विकेट है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो के नाम था जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 27 विकेट लिए थे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने ICC T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 में वेस्टइंडीज टीम को हरा दिया। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। आंसर डी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि भारत चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की पहल की है। बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण भागीदार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी जेपी नड्डा, सी शिवराज सिंह, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी जेपी नड्डा। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी ICT सामग्री भी जारी की।
इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? ए तंजानिया, बी आर्मेनिया, सी उज्बेकिस्तान, डी यूएई। आंसर ए तंजानिया। एक्सप्लेनेशन, विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर राजहंसों फ्लेमिंगोज की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है, जिससे पक्षी कम संख्या में वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में केन्या की सीमा पर स्थित एक खारे पानी की झील है। यह एक रामसर साइट भी है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी साउथ अफ्रीका, डी अफगानिस्तान। आंसर बी इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन, भारत 24 जून 2024 को सेंट लुसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए जगन मोहन रेड्डी, बी जेपी नड्डा, सी ओम बिरला, डी के सुरेश। आंसर सी ओम बिरला। एक्सप्लेनेशन, ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर है। अगला प्रश्न, जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी केसी वेणुगोपाल, सी सोनिया गांधी, डी राहुल गांधी। आंसर डी राहुल गांधी। एक्सप्लेनेशन, 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ए 20, बी 25, सी 27, डी 29। आंसर डी 29। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक के साथ 8वें स्थान पर रहा। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, केरल विधानसभा द्वारा पारित केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? ए केरल, बी केरला, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केरल। एक्सप्लेनेशन, केरल विधानसभा ने 24 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रथम अनुसूची में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया। केरल शब्द मलयाली भाषा के केरलम शब्द का अंग्रेजी रूप है। भारतीय टीम कितनी बार आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। आंसर सी तीसरी। एक्सप्लेनेशन, भारत ने टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम तीसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2007 और 2014 में टीम इंडिया ने फाइनल खेला था। दोनों संस्करण में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहे थे। अब भारत का सामना 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से खिताबी मुकाबले में होगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? ए श्रीनगर, बी उदयपुर, सी पटना, डी लखनऊ। आंसर ए श्रीनगर। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC टैग प्रदान किया है। ये टैग WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न, केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? ए तिरुवनंतपुरम, बी कोझिकोड, सी कन्नूर, डी कोची। आंसर बी
कोझिकोड। एक्सप्लेनेशन, केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ये शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत की गई है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 300 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी नीति आयोग, सी विश्व बैंक, डी UNCTAD। आंसर डी UNCTAD। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 2% की मामूली कमी आई है। विकासशील देशों में FDI प्रवाह 7% गिरकर $867 अरब हो गया है। UNCTAD व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। अगला प्रश्न, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी थाईलैंड, सी भारत, डी चीन। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद यूरोपीय संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% और चीनी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए लुइस मोंटेनेग्रो, बी विक्टर ओरबान, सी पेड्रो सांचेस, डी मार्क रूटे। आंसर डी मार्क रूटे। एक्सप्लेनेशन, नाटो ने मार्क रूटे को अपना अगला महासचिव नियुक्त किया। नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव होंगे। ब्रसल स्थित मुख्यालय में एक बैठक के दौरान नाटो राजदूतों द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। वे 1 अक्टूबर को वर्तमान महासचिव नॉर्वे के जेम्स स्टोल्टेनबर्ग से कार्यभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए शिमला, बी नैनीताल, सी देहरादून, डी धर्मशाला। आंसर ए शिमला। एक्सप्लेनेशन, भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का शिमला में उद्घाटन किया गया। संग्रहालय का उद्घाटन भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। ये संस्थान की समृद्ध विरासत और राष्ट्र के शासन में योगदान के संरक्षण और उत्सव में एक मील का पत्थर है। ये कैट संस्था के विकास, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? अगस्त्यवनम जैविक उद्यान, बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान, सी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, डी नाहरगढ़ जैविक उद्यान। आंसर बी बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान। एक्सप्लेनेशन, भारत की सबसे बड़ी और तीसरी तेंदुआ सफारी बेंगलुरु के बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान BBP जनता के लिए खोल दी गई है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया है। फिलहाल सफारी में 8 तेंदुओं को छोड़ा गया है। बन्नेरुघट्टा जैविक उद्यान में पहले से ही अपने XC2 संरक्षण कार्यक्रम के तहत शेर, बाघ और स्लोट भालू हैं। इस उद्यान के चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों की सबसे बड़ी संख्या है। अगला प्रश्न, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? ए देवी निबा जला, बी हिमा दास, सी किरण पहल, डी स्नेहा के। आंसर सी किरण पहल। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? ए 4.0 करोड़, बी 4.5 करोड़, सी 5.0 करोड़, डी 5.5 करोड़। आंसर बी 4.5 करोड़। एक्सप्लेनेशन, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने NCR राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे NCR में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।